टिहरी बांध की 1000 मेगावाट की निर्माणाधीन पीएससी परियोजना के लिए 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना आने वाले दिनों में अहम भूमिका अदा करेगी। आपको बता दें कि टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध की दोनों परियोजनाएं मिलकर 2400 मेगावाट की विद्युत उत्पादन करेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से दिल्ली और यूपी को भी पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है। हालांकि ठंड के चलते इन दिनों कोटेश्वर परियोजना से प्रतिदिन 3 मिलियन यूनिट की विद्युत उत्पादन हो रही है। परियोजना है, पीकिंग में हम 400 मेगावाट चलाते हैं, लेकिन हर समय 100 मेगावाट पूरे दिन में चलता रहता है और लगभग आजकल इसका जो उत्पादन है 3.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन इस परियोजना से हो रहा है। पीएसपी से इस पूरे उत्तर भारत में पीकिंग में ये पूरा सहयोग करेगा। यहाँ का पानी कोटेश्वर झील से रिसाइकिल करके टेहरी झील में डाला जाएगा और उससे फिर पीकिंग के टाइम पे जनरेशन होगा, जो कि पीकिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरे पूर्ण करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल कोटेश्वर बांध 400 मेगावाट की परियोजना है और ये बांध टिहरी बांध से 22 किलोमीटर की डाउन स्ट्रीम पर स्थित है, जो कि आने वाले समय में टिहरी बांध में विद्युत उत्पादन करने में सहायक साबित होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।